दोस्तों अपनी ये पंचर मशीन है, तो ये क्या है, इसकी कॉइल बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने इसको सोचा गैस पे कुछ बना के देखूँ, गैस पे पंचर पकता नहीं पकता इसका, क्योंकि ये अपने हाथ की बनी हुई है। ये की मशीन है, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने इनको बनाने का पूरा तरीका बताया था आप लोगों को। जिसने भाई ने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जा कर देख लेना। तो इस पर अपन क्या, अब इस पर पंचर पकाएँगे अपन ना। क्या इसकी ये वायर मैंने निकाल के अलग कर दी है, ये वाले वायर उसके हैं, इसके कॉइल क्या बार बार प्रॉब्लम कर रही थी मेरे को, क्या हमारे यहाँ वोल्टेज सही नहीं आता बिजली का। तो देखो दोस्तों इतना बड़ा पंचर पका रहा हूँ इस पर मैं, है ना दोस्तों, क्या हम बिजली महंगी भी पड़ती है दोस्तों, तो ये सस्ती पड़ती है गैस, तो गैस से ही बनाऊँगा सब पंचर में। मैं करीब 5-6 ट्यूब बना चुका हूँ, लेकिन मैं कहा भाई लोगों को एक वीडियो बना दूँ। अरे दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो देखो दोस्तों ये सब पंचर मैंने बना के यूट्यूब पर बिल्कुल क्लियर करके रख दिए हैं, इसमें अपने लिए जब चाहे अपन तुम निकाल सकते हैं। देखो ये सभी मैं बना चुका हूँ, तो ये वीडियो में लास्ट में बना रहा हूँ आप लोगों को, बाकी का मैंने इन ट्यूबों को बना के रखा है तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को दे दूँगा, अभी देख लेना दोस्तों। ये सब रिजेक्ट ट्यूब हैं, इन सब ट्यूबों को बना के क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो अपनी मशीन गर्म हो गई है, ये देखो दोस्तों ये पानी लड़कने लगा है, मतलब ये मशीन अपनी सही गर्म हो गई है ना। ये अपने हाथ की बनी मशीन है, ये बहुत हैवी होती है, इसमें टेंशन फ्री अपन होते हैं, टूटने फूटने का कालम इस पर नहीं होता है। तो दोस्तों पकता हूँ पंचर पकने के लिए, दोस्तों इसको अपन ने इसको चपेट के अपन रख दिया है पकने के लिए। अब ये कितनी देर में ठंडा होता है बताता हूँ, करीब 20 मिनट में ठंडा होता है ये। तो इन ट्यूबों का ये पंचर बना दिया अपन ने पक्का टाइप से, अपने पंचर की फुल गारंटी वाले पंचर बनाते हैं अपन सभी ट्यूबों में, किसी में एक, कभी किसी में दो, किसी में तीन पंचर वाले ट्यूब हैं ये। तो इन सब ट्यूबों को अपन क्लियर करके रख लेते हैं। देखो दोस्तों इसमें जैसे एक ही पंचर है, ये खोली एक, ये दो, तो ये ट्यूब क्या है अपने आराम से 400-500 रुपये 600 रुपये में आराम से बिक जाते हैं। देखो सब कंपनी के ट्यूब हैं दोस्तों, ये कोई हमारा कोई सीएट कोई अपोलो, देखो ये इतना बड़ा पंचर बनाया, ये पंचर देखो ये लीक नहीं करता दोस्तों, क्योंकि इसमें अंदर से भी कच्ची रबड़ रखी हुई है ट्यूब के साथ चिपक के, तो ये नहीं करके, क्योंकि इसमें देखो ये छोटा बन गया इधर से, आपको दिख रहा होगा वीडियो में साथ में, तो अच्छी पकड़ कर ली है, और अति हवा भर के अपन इसको चेक करके बढ़िया साफ करके बढ़िया रख देंगे इनको। ये क्या है दोस्तों, देखो ये पंचर अपने हाथ का बना हुआ है, अपने हाथ का पंचर भी, इस टाइप निशान मैं खुद छोड़ता हूँ प्लेट से इसका, ये बटन वाला पंचर ये भी मैंने पकाया, ये और दो ट्यूब और हैं, देखो उनको भी बता। ये देखो दोस्तों ये ट्यूब जो हैं अपने, इनको क्या है, अब मैं इससे इनकी अच्छी बढ़िया धुलाई करके रख दूँगा और पाउडर वगैरह लगा के, तो ये क्या ख़राब नहीं होंगे, और अपन को दोबारा कभी किसी गाड़ी में ट्यूब डालेंगे ना तो अपन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी इधर पे पानी टंकी बनी हुई है, तो इस टाइप का टैंक सभी पंचर वाले भाई लोग बना के रखें तो क्या पंचर चेक करने में दिक्कत नहीं होगी, तो ये पूरी भरी हुई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, इस टाइप दोस्तों ट्यूबों को धो के रख लेना है ना दोस्तों। तभी क्या है, मेरे पास कोई नहीं है, बंदा नहीं है, तो मैं अकेला ही करता रहता हूँ, इनको धोकर सभी ट्यूब को धोकर रखना है मुझे।